ये लो, हम पहुंच गए श्रीनगर, नेपाल के श्रीनगर। श्रीनगर का डल झील, ये है पोखरा का डल झील, फेवा लेक। और इस नज़ारे का तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। ये देखने में आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके पास है, लेकिन आपके कोसों दूर है ये। देखो, इस वीडियो में थोड़ी सी गलती के कारण पूरी गाड़ी खाई में चली जाती। कितना बड़ा कांड हो गया, थोड़ी सी गलती और पूरी गाड़ी खाई में। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल टूर कैलकुलेटर में। पिछले वीडियो में हमने देखा था महेंद्र केव, साथ ही साथ महेंद्र केव के अंदर गए थे और उसके बाद हम लोग पहुँचे थे पुम्दीकोट, जहाँ शिव भगवान की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी थी। हम लोग वहाँ भी गए थे और वहाँ से सारंगकोट का व्यू भी देखा था। और हम लोग गए थे गुप्तेश्वर महादेव केव, जहाँ अंदर गुफा के अंदर मंदिर थी, साथ ही साथ वहाँ से डेविस वाटरफॉल का एक व्यू दिखता था। और गए थे हम लोग डेविस वाटरफॉल। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये आगे। पोखरा का सबसे फेमस लेक, फेवा लेक जिस नाम से है, ये उसका आप देख रहे हैं लोकेशन। ये उसका मेन गेट है, एंट्री गेट, इधर टिकट होगा साइड पे है। और इधर से देखिए बोटिंग वोटिंग हो रही है, हम चलते हैं अंदर। अंदर चलेंगे, आपको पूरी तरह दिखाएंगे क्या रेट है यहाँ का बोटिंग का, क्या व्यू, क्या क्या देखने को है यहाँ अंदर, सारी कुछ डिटेल में बात होगी। ये पार्किंग एरिया है इसका, देख सकते हैं आप। यहाँ बाइक भी रेंटर पर मिल जाएगी, आपको कार भी मिल जाएगी। अच्छा, अभी हम देखिए ये हैं फेमा लेक के मेन गेट पे, और यहाँ हमें एक फ्रूट वाले भैया मिले हैं। और आपको इनका टैलेंट बताता हूँ, ये सभी काफ़ी सारे लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, चाइनीज, मतलब बाकी जो भी यहाँ पर्यटक आते हैं उन सबका लैंग्वेज धीरे धीरे करके सीख। ये बोटिंग जो फेवा लेक में अगर आप करना चाहते हैं तो उसका रेट लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अलग अलग तरीके का जो भी आप नाम लेना चाहते हैं उनका, सबका रेट अलग अलग नोट में दिया हुआ है। इस अकॉर्डिंग आप अपने सुविधा अनुसार बुक कर सकते हैं। टिकट काउंटर उधर है, फिर हम चलते हैं टिकट काउंटर पर, अपने हिसाब से बुक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। पोखरा के फेवा लेक में घूमते समय आपको ये बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि आप श्रीनगर के डल लेक में घूम रहे हो। दोस्तों, ये नज़ारा बिल्कुल उसके जैसा ही होता है। अभी हम लोगों ने एक बोट किया है 1 आवर टूर के लिए, 1 आवर के लिए हमें लगा है एनसी में 900 रुपये, और इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 550 करीब। और उसी को टिकट से ही हमें ये मिला है लाइफ जैकेट सेफ्टी के लिए। अगर हम लोग उतरने का कोशिश करेंगे नीचे तो ये हमें बचाएगा। ठीक, और हम रेडी हो गए लाइफ जैकेट पहन के। लाइफ जैकेट कैसा है जी? जैकेट इसका कुछ गड़बड़ है। चलिए, आप लोग भी आइए तो इसे लेना नहीं भूलिएगा जब भी आप बोटिंग करने जाइए। चलिए चलते हैं। आ गए हैं अपने शिकारा पे। हाँ दोस्तों, जब आप बैठिएगा इस पर तो आपको महसूस होगा कि आप डल झील के शिकारा में बैठे हैं, और ऐसा कुछ व्यू आपको दिखने वाला है, ये काफ़ी अल्टीमेट वाला फीलिंग। और हमने प्लान लिया है 900 रुपये का 1 आवर टूर का, और कितना अच्छा व्यू लग रहा है आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इसी व्यू के साथ लेके चलते हैं फेवा लेक के बिल्कुल बीचों बीच। फेवा लेक के बीचों बीच एक मंदिर भी है। अगर आप सिर्फ मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं तो उसका रेट लिस्ट अलग दिया हुआ है, जो कि आपको नाव मंदिर तक लेके आएगी, साथ में पूजा करने के बाद वापस आपको ले जाएगी।
सफ़र हमारा पूरा हो गया एक घंटे का। हमने एक घंटा इस नाव पे देवा लेक का पूरा टूर कर लिया है और हम लोग वापस आ गए हैं अपने स्टैंड के पास। ये देखिए सामने फेवा लेक के ही दूसरे सिरे पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारंगकोट व्यू पॉइंट जाने के लिए रोपवे दिख जाएगा। तो सारंगकोट व्यू पॉइंट जाने के लिए आप बस से या टैक्सी करके सारंगकोट रोपवे पॉइंट तक जा सकते हैं। रोपवे पॉइंट तक जाने के बाद आपको सारंगकोट व्यू पॉइंट जो कि काफ़ी ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है वहाँ जाने के लिए आपको रोपवे का चार्ज करीब 750 रुपया पर पर्सन देना पड़ेगा जो कि राउंड ट्रिप का होगा। और ऊपर से कुछ नज़ारा आपको अगर आप सुबह के टाइम होते हैं तो इस तरह का दिखने वाला है। चारों तरफ हिमालय रेंज की पहाड़ और सुबह सुबह ये गुलाबी आसमान, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे पास समय की कमी थी जिस कारण से हमने सागरकोट व्यू पॉइंट का ब्लॉग नहीं बना सके। तो आपको सारंगकोट व्यू पॉइंट जाने के रास्ते का और सारंगकोट के व्यू पॉइंट का कुछ दृश्य आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। सारंगकोट व्यू पॉइंट जाने के लिए जो रोपवे है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है तो आपको रोपवे पे बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। और इस रोपवे पे आपको कम से कम 15 से 18 मिनट की जर्नी करनी होगी और ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों रोपवे से फेवा लेक का और साथ ही साथ पोखरा सिटी का। और सारंगकोट जो आगे हिमालय की वादियाँ हैं उसको देखने का तो बात ही अलग है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है दोस्तों। तो आप जब भी पोखरा जाएं तो सारंगकोट बिल्कुल ना छोड़ें, सारंगकोट व्यू पॉइंट बिल्कुल ज़रूर जाएं और वहां से इस हिमालय पहाड़ का बिल्कुल करीब से आपको दर्शन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा व्यू है यहां का, सारंगकोट व्यू पॉइंट से ये लिया गया व्यू है, देख सकते हैं आप। अभी हम लोग हैं चितवन के आसपास क्योंकि शाम में कल हम लोगों ने पोखरा एक्सप्लोर करने के बाद वापस आने का प्लान बनाया था। शाम में करीब 5:30-6 बजे हम लोग पोखरा से निकले थे और रास्ते में हमारा टारगेट था कि कम से कम हम लोग हेटौडा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण रोड इतनी स्थिति बुरी है कि उसके कारण हम लोग हेटौडा नहीं पहुँच पाए और हम लोगों को चितवन में अपना होटल लेना पड़ा। और अभी हम जिस होटल में हैं उसका नाम है होटल अशोका रिसोर्ट, काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है दोस्तों। तो आपको इसका मैं रिव्यू दे दूंगा आगे, इसका टाइमलेस में मैं दे दूंगा। और मैं आपको पोखरा के बारे में एक बताना चाहता हूँ कि अभी आप कुछ समय के लिए पोखरा अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पोखरा में, चाहे रोड की हो या जितने भी व्यू पॉइंट हैं सब जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी कुछ समय के लिए अगर अवॉइड कर दें आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आते हैं तो जो जो पॉइंट हमने एक्सप्लोर किया है उन सब पॉइंट तो जाइए ही जाइए, कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो हमने नहीं किया है जैसे कि सागरकोट व्यू पॉइंट, तो उस जगह पर जाने के लिए आपको गाड़ी वाले भैया ले जाएंगे और वहां से आपको रोपवे से जाना पड़ेगा व्यू पॉइंट पे, जहां आपको हिमालय रेंज की बहुत ही अच्छी स्नो माउंटेन देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जब जाएँ तो इस जगह पर जाएँ। और एक और बात दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टैक्सी वाले भैया का जिसको मैंने बुक किया था उनका नंबर दे दिया है, तो अगर आप टैक्सी बुक करना चाहें अपने स्थान से ही तो आप व्हाट्सएप पे उसे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके उनसे बात करके अपने रेट फाइनल कर आप उन्हें बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम आगे आपको ले चलते हैं वापस पटना के लिए।
पे आप ड्राइविंग करते हैं तो अगर आप एक्सपर्ट हैं चलाने में, आपको एक्सपीरियंस है पहाड़ों पे ड्राइविंग का, तभी आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाएं खुद से, अन्यथा आप वहाँ की लोकल टैक्सी ही बुक कर लें। क्योंकि अगर आपके ड्राइविंग में किसी गलती के कारण आपका नुकसान हो जाता है या आप किसी दूसरी गाड़ी में आपकी टक्कर हो जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी पहाड़ों पर खुद से गाड़ी चलाएं। देखो, इस वीडियो में थोड़ी सी गलती के कारण पूरी गाड़ी खाई में चली जाती, कितना बड़ा कांड हो गया, थोड़ी सी गलती और पूरी गाड़ी खाई में। दोस्तों, हमने पोखरा ट्रिप का पूरा लगभग वीडियो आपको आपके सामने रखा है और बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कितना खर्च आएगा, क्या क्या पेपर बनाना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो किसी भी बॉर्डर पे आप जाओ, चाहे रक्सौल बॉर्डर से जाओ या यूपी के किसी बॉर्डर से या बंगाल के किसी बॉर्डर से जाते हो आप, तो आपको एक पेपर बनाना पड़ेगा अपनी गाड़ी का, जिसे भंसार बोलते हैं नेपाल की भाषा में। तो आपको भंसार बनाना पड़ेगा, उसका जो रेट है पर डे का नेपाली एनपीआर में 500 रुपया पर डे का रेट है। अगर आप इंडियन में कन्वर्ट करते हो उसे तो 350 रुपया करीब आपको पड़ता है पर डे का। तो मैंने 3 दिन का बनवाया था तो मुझे 1500 रुपये नेपाली पड़ा था, 1000 समथिंग रुपया पड़ा था इंडियन। तो हमने 3 दिन का बनवाया था। तो अगर आप भी जाओगे अपनी गाड़ी से तो आपको बनवाना पड़ेगा ये कागज। साथ ही साथ अगर तेल की बात करें तो हमारा तेल जो खर्च हुआ था वो करीब 6000 रुपये का हुआ था। हमने जाते समय 4000 का डलवाया था, आते समय रास्ते में 2000 का डलवाया था। तो हमारा 6000 में टोटल पोखरा से आना जाना पटना तक हो चुका था। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे पैसे का क्या रेट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर यहाँ से जाओगे घूमने के लिए तो पैसे का हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, हमारे जो करेंसी है इंडिया की करेंसी नेपाल की करेंसी से ज़्यादा है। मतलब आप कम पैसे ले जाओगे तो वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ की करेंसी जो 1000 रुपया अगर आप ले जाते हो तो वो वहाँ जाकर नेपाल में 1600 रुपये उसकी वैल्यू हो जाएगी। आप चाहो तो बॉर्डर पे करेंसी को कन्वर्ट भी करा सकते हो, अगर नहीं कराना चाहते हो तो आप अपनी करेंसी भी लेके जा सकते हो, लेकिन 2000 के नोट नहीं चलेंगे, 500 तक के नोट आपके चलेंगे। 500 तक के नोट आप इजीली ले जा सकते हो, वहाँ किसी भी दुकान में आप उसे यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इतनी जानकारी के साथ ही इस ब्लॉग को अंत करता हूँ। और मैंने अपने टैक्सी वाले भैया का जिन्होंने बुक किया था उसका भी डिटेल मैंने दे दिया है। तो अगर आप जाते हो और अपनी गाड़ी से नहीं जाते हो, वहाँ गाड़ी बुक करना चाहते हो घूमने के लिए, तो आप उनसे बात कर सकते हो पोखरा में, मैसेज कर लो उनसे व्हाट्सएप पे, क्योंकि यहाँ से कॉल लगेगा नहीं आपका। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके उनसे रेट फाइनल कर लो और आप जा सकते हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही।